और डाढ़ी इश्क आतिश लाई लाई वे लाई लाई वे यार डाढ़ी इश्क आतिश और छोटे जब गलती करते हैं और माफी मांगते हैं तो बड़े भी उनको माफ कर देते हैं ना। प्लीज आप भी हमें माफ कर दें। आपकी नाराजगी के साथ और दुआओं के बगैर मैं और जैन अपनी नई जिंदगी नहीं शुरू कर पाएंगे। एक वादा करोगी मुझसे? कैसा वादा? चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरी ही रहो। I love you, Zain. I love you too. तुमने वो 9 लाख उस लड़की के हवाले कर दिया जो तुम्हारी बेटी की जिंदगी की तबाही का बायस बनी है। क्यों भाई पैकिंग वगैरह कर ली तुम दोनों ने? जी बस ऑलमोस्ट हो गई है। आए बैठे ना। नहीं बेटा मैं खाली खुदा हाफिज कहने आया था तुमसे। अब आप एयरपोर्ट ही चलेंगे छोड़ने? नहीं बेटा दिन की बात होती तो मैं शहर जरूर जाता। यहाँ से शहर जाना और वापस आना रात में मुमकिन नहीं। सुबह कचहरी वगैरह जाना होता थक जाऊंगा। फिर तो ठीक कह रहे हैं, आपको रेस्ट करना चाहिए। अच्छा जो सुनो तुमने अपने जेवरात वगैरह रख दिए? जी छोटे अबू मैं वहां ले जाके क्या करूंगी। 9 लाख भी रख दिया? जी वो भी रख दिया। अच्छा चलो ठीक है, चलो फिर अल्लाह के हवाले और मैसेज वगैरह भिजवाते रहना ताकि तुम लोगों की खैरियत पता चलती रहे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ बेटा तुम लोग भी। खुदा हाफिज। ज़ैन मैंने एक झूठ बोला है, वो 9 लाख मेरे पास नहीं है, मैंने अम्मी के पास रखवाया था। हाँ तो कोई बात नहीं हम वापस आके ले लेंगे। श्योर ना? हाँ हाँ मैं बड़ी अम्मी से मिल के आ जाता हूँ। ठीक है। अम्मी हैरत है इतनी जल्दी सो गई। हाय तो रात को तो ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया था कि मुझे दवा लेके सोना पड़ा। किस वक्त गया था तहरीन को लेकर ज़ैन अली? मेरे ख्याल में रात के 1:30 बज गया था। अपने कमरे की चीजें ठीक से समेट कर गई थी वो? मैंने देखा नहीं लेकिन मेरे ख्याल में समेट के गई थी। शफक तुम जरा एक नज़र उसके कमरे में देख लेना। ठीक है मुलाजिम है भरोसे के हैं लेकिन अपने घर की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। भाई वो 9 लाख कहाँ है? कह रही थी उसके पास है, कमरे में होगा। अरे करोड़ों का हार है वो, तिजोरी में नहीं रखा, एक कमरे में रखने की चीज है कोई? चलिए वो आएगी तो रखवा देंगे। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक 9 लाख तहरीन के पास नहीं है। मेरे ख्याल में आपको कोई गलतफहमी हुई भाई साहब। अकबर अली मुझे गलतफहमी क्यों होगी भाई, मैंने तो जो सुना है वो बता रहा हूं। 9 लाख हमारा खानदानी हार, उस पर अब मुमताज का कोई हक नहीं है। ये तो अजीब सी बात है, तहरीम को वो हार आपा को नहीं देना चाहिए था, लेकिन अगर दिया भी था तो आपा को रखना नहीं चाहिए था। उसने तो खुशी खुशी रख लिया होगा 9 लाख, उसे तो शुरू से अरमान था कि वो हार उसे मिल जाए। आप लोग फिक्र न कीजिए 9 लाख घर आ जाएगा, मैं आपा से बात करूंगा, लेकिन मैं भी समझता हूँ कि कोई गलत फहमी है। अकबर अली तुम क्या बात कर रहे हो,
भला 9 लाख मेरे पास क्यों होगा? यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि 9 लाख आपके पास क्यों है? वो तहरीन की मिल्कियत है, उसके पास होना चाहिए। यकीन करो मेरा अकबर अली, 9 लाख तहरीन के ही पास है। और क्या मैं जानती नहीं हूँ कि वो हमारा खानदानी हार है? भला इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं अपने सर क्यों लेने लगी? उससे भाई साहब ने कहा था कि 9 लाख आपके पास है, अब वो गलत बयानी से काम क्यों लेंगे? ये कोई मजाक की बात तो नहीं है ना? मैं भी उनसे यही पूछूंगी कि आखिर उन्होंने ऐसी बात की क्यों। मेरा यकीन करो अकबर अली, 9 लाख तहरीन के ही पास है। देखो अगर मेरे पास होता तो मैं बता देती, घर की तो बात है। यही तो मैं कह रहा हूँ, हार तहरीम के पास होना चाहिए। ठीक है, मैं ज़ैन और तहरीम से पूछ लूंगा। खानदानी जेवर की बात है, लापरवाही बरतना अच्छी बात नहीं है। जरूर पूछना और मुझे भी खबर करना। अच्छा, खुदा हाफिज। जी बहुत बेहतर, खुदा हाफिज। क्या बात है मामी, गुस्से में लग रही हैं आप। तुम्हें मैंने कभी अपनी बहू समझा? हमेशा बेटी का दर्जा दिया, लेकिन तुमने आखिर बहू होने का सबूत दे ही दिया कुरतुलैन। नहीं मामी, मैं आपकी नहीं बेटी नहीं हूँ। बेटियां अपने घरों की बात दूसरे घरों में नहीं पहुंचाया करती। मैंने किया क्या है? तुमने अपने बाबा को बताया कि तहरीम ने 9 लाख मेरे पास रखवाया? बताओ कुरतुलैन, ऐसा तुमने क्यों किया? बताओ। बिलीव मी मम्मी, मैंने 9 लाख के बारे में किसी से जिक्र नहीं। झूठ मत बोलो कुरतुलैन, क्योंकि तुम्हारा झूठ खुल चुका है। अकबर अली का फोन आया था और उसने मुझे बताया कि भाई साहब को पता चला है कि 9 लाख मेरे पास है। जब अकबर अली ने भाई साहब का नाम ले दिया तो पीछे रह क्या जाता है? साफ सी बात है कि तुम्हारे अलावा कोई बता नहीं सकता उनको। मैं कसम खा रही हूँ मम्मी, मैंने 9 लाख के बारे में किसी को नहीं बताया। हो सकता है तहरीम ने शफा को बताया हो, आप तो जानती है ना कि तहरीम हर छोटी से छोटी बात शफा को बताती है। और उसने नूरजहां चाची को बता दिया होगा, उन्होंने चाचा जान को। पर भाई साहब का नाम कैसे आया? मम्मी जाहिर सी बात है, नूरजहां चाची को बचाने के लिए, उनकी साइड लेने के लिए ये किया होगा। इस हवेली में जो कुछ होता है उसका इल्जाम मुझ पे और मेरे बाबा पे लगता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका बेटा नहीं है, सिर्फ एक बेटी है जिसकी कोई नहीं सुनता। अच्छा नाम इधर आओ मेरे पास, तुम क्यों रो रही हो? I'm really sorry, मुझे सोचना चाहिए था कि ये सारा किया धरा नूरजहां का, लेकिन जब भाई साहब की बात आई तो मैं तो यही समझूंगी ना कि तुम ही ने कहा है। अच्छा I'm really sorry। नूरजहां भी ना sorry। अभी मैं इस घर की बात कहीं शेयर नहीं करती। ओह नो बेटे, बड़ा तहरीम तहरीम करती थी तुम, देख लिया किस कदर लालची हैं दोनों माँ बेटियां। 9 लाख के लिए कैसे फंसाया इन्होंने ज़ैन अली को। 9 लाख तहरीम का है अम्मी, इसको मर्जी दे वो। तहरीम का कैसे हुआ? हमारा खानदानी हार है वो, उसके पास अमानत है, उसकी माँ को पहनाने के लिए नहीं दिया था हमने। हमें इससे क्या अम्मी? अरे हमें क्यों नहीं, मुमताज को तो देखो, पूरा खानदान ही ऐसा है जैसे इनका गुजारा ही नहीं है 9 लाख के बगैर। अम्मी उसने वैसे ही रखवा दिया होगा पुप्पो के पास, बाहर जाते हुए हो सकता है वापस आकर ले ले। मुमताज कभी 9 लाख आसानी से वापस नहीं करेगी, लिख के रख लो मेरी ये बात। इसी 9 लाख की खातिर तो इन्होंने मेरी बेटी के मुकद्दर से खेला है। तुम देखना अकबर अली और ज़ैन अली के साथ ये मुमताज करती क्या है, किस तरह ज़ैन अली के सर से ये इश्क का भूत उतरेगा। मुमताज तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हारे बारे में कोई गलत बात करूंगा? अरे तुम मेरी बहन हो, मैंने अपनी बेटी दी है तुम्हें। बस भाई साहब, गलती मेरी है। अकबर अली ने जब मेरे सामने आपका नाम लिया तो बस मैं बिलावज आप पे शक कर बैठी। और मुझे झूठ बोलने से कौन सा 9 लाख मिल जाएगा? और तुम इस खानदान की बेटी हो और तुम्हारी बेटी इस खानदान की बहू बनकर गई है। तुम्हें अगर 9 लाख मिल जाता है और अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हारा हक है। यही तो भाई साहब, यही बात तो इनके समझने की है, लेकिन आप यकीन कीजिएगा कि जब अकबर अली ने मुझे फोन किया ना और मुझसे गैरों की तरह पूछ गछ की
भाई साहब मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे जैसे मैं कुछ चोर हूँ, चोरी की है मैंने कोई। दिमाग खराब हो गया अकबर अली का, और ये सब कुछ किया धरा नूरजहां का है। वो पट्टियां पढ़ाती है अकबर अली को, और अकबर अली नूरजहां के कहे को समझता है हर्फ आखिर है। बाबा जान यही बात तो मुझे समझ में नहीं आती कि चचा जान अपने बहन भाइयों से ज्यादा नूरजहां चाची के बातों पे चलते हैं, अपनी बहन पर भरोसा नहीं है उन्हें। इसी बात का तो अफसोस। पर भाई साहब नूरजहां को ये सोचना चाहिए ना कि इस उम्र में इतनी ओछी हरकतें उन्हें जेब नहीं देती, और ये हरकतें करके कौन सा नौलखा ही मिल जाएगा उनको। आप चाय लेना, ठंडी हो गई बिल्कुल बात में। बेटे पापा जाना है, कुछ लेकर अभी लाते हैं। मैं आपको बता नहीं सकती आज मुझे कितनी एम्बैरेसमेंट हुई है बाबा के सामने। क्या सोच रहे होंगे वो, मम्मी बिना हर किसी को कटहरे में खड़ा कर देती हैं। I understand, अब मैं मम्मी से बात कर लूंगा, तुम प्लीज उनकी बातों को इग्नोर कर दिया करो। हर बार इग्नोर कर दूं, इस दफा मेरे बाबा की बात है। कितनी शर्मिंदगी हुई है मुझे, आपको पता है। अच्छा मैं उनसे बात कर लूं, तुम मामू से एक्सक्यूज कर ले। अच्छा मैं उनसे भी बात कर लूंगा। कोई जरूरत नहीं है, मैंने बाबा को समझा दिया, और प्लीज आप मम्मी से भी बात मत कीजिएगा, घर में फिर फसाद खड़ा हो जाएगा और सारा सहरा मेरे सर पे आएगा। अरे नहीं, मैं उनसे अपने तरीके से बात कर लूंगा, वैसे कैसे शक कर सकती हैं तुम पर। कोई बात नहीं, मुझे समझ में नहीं आता ये हार लेने की जरूरत क्या थी, नई मुसीबत पा ली उन्होंने। करोड़ों की चीज है, कोई कैसे जाने दे। जितने की भी है हमारी तो नहीं है ना। मैं जानता हूँ ये तहरीम बहुत लापरवाह है, उसी ने छोड़ दिया, अब इनको संभालना पड़ रहा है। नौलखे का जुनून क्या और कैसा होता है आपको नहीं मालूम। खैर मम्मी से कह दें थोड़ा मोहतात रहे, नूरजहां चची तो मौके की तलाश में बैठी हैं। अच्छा तुम ये बातें छोड़ो, इधर आओ मेरे पास आके बैठो। ये देखो बच्चे अच्छी है ना, टेंशन मत लिया करो, बात कर लूंगा उनसे। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम अकबर अली, आप कहीं जा रहे हैं। हाँ मैं जरा जमीनों का चक्कर लगाने जा रहा था, तुम आओ। हाँ क्या खैरियत, क्या बात भाई साहब। मुझे आपसे वो जायदाद के हवाले से बात करनी थी, कि शादी के मसरूफियात में मुझे मौका ही नहीं मिला कि दोबारा बात करूं। ओह वो बात तो खत्म हो चुकी थी। मैंने आपसे कहा था हमें नूरजहां का हिस्सा उन्हें दे देना चाहिए, इसलिए आप अकाउंट्स की डिटेल्स मंगवा लीजिए, और जमीन में जो उनका हिस्सा बनता है उसके लिए तो हमको वकील दरकार होगा ना। लेकिन तो नूरजहां मान गई है सदर, उसकी नाराजगी भी खत्म हो गई है और उसने ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया। हाँ तो सब ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दोबारा उन्हें इस सिलसिले में कुछ कहना ना पड़े। ये काम बाहमी रजामंदी और खुशसूबी से हो जाए तो अच्छा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नूरजहां ऐसा कोई मुतालबा करेगी। एक बात बताओ कि तुम क्यों जायदाद के हिस्से बखरे करना चाहते हो। हिस्से तो होंगे भाई साहब, आज नहीं तो कल बंटवारा तो होगा। वो तो होगा, लेकिन याद रहे कि ये काम इतनी आसानी से नहीं हुआ करते। हाँ मुझे अंदाजा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस कार्रवाई को अब शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है मैं वकील से बात करूंगा। नौलखे का क्या बना? नौलखा महफूज है, वो मिल जाएगा, बस आप वकील से बात कीजिए, उनको कल ही बुलवा लीजिए। ठीक है मैं फोन करूंगा। हेलो बेटे। अरे तहरीन तुम्हारे ही फोन का इंतजार कर रही थी मैं।
क्यों माँ, सब खैरियत तो है ना? अब सब ठीक है, लेकिन यहाँ तो नौलखे की पूछगछ शुरू हो गई है। क्या मतलब? मतलब क्या, हवेली में ये खबर फैल गई है कि नौलखा मेरे पास है। अकबर अली का फोन भी आया, मुझसे पूछ रहा था, मैंने तो कह दिया मुझे नहीं पता कहाँ। गॉड, इन लोगों को मसला क्या है, इतने सीरियस क्यों हो जाते हैं? मेरी चीज है, मैं जहाँ रखूँ मेरी मर्जी। यही तो मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही, आखिर इन लोगों को मसला क्या है। वैसे ये बिल्कुल ठीक नहीं है, छोटे अब्बू को इस तरह आपको फोन करके नहीं पूछना चाहिए था। खैर आप फिक्र ना करें, मैं वापस आके बात करती हूँ। तहरीन तुम यकीन करो, सिर्फ तुम्हारी शक्ल को खामोश हो, वरना मुझे इतना गुस्सा आया था ना अकबर अली कि मैं बता नहीं सकती। आप फिक्र मत करें, जैन आने वाला है, मैं उसे कहूँगी, ये कोई तरीका नहीं होता। हाँ बिल्कुल ये कोई तरीका है। अच्छा सुनो, अगर तुम्हारे पास किसी की कॉल आए ना इनमें से, तो तुम कह देना कि अम्मी के पास नहीं, मैंने कहीं रखा। ओके अम्मा, डोंट वरी, इट बी ओके। ओके खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कल मैं शहर गया था तो नौलखे का जिक्र निकल आया। अफसोस इस बात का है कि मुमताज ये समझती है कि नौलखा तुमने गायब कराया। उसका दिमाग खराब तो नहीं है? मैं नौलखा क्यों गायब कराने लगूंगी? मैंने भी उसे यही समझाने की कोशिश की, भाई नूरजहां को क्या फायदा है नौलखा को गायब कराने में। अरे हार पहना तहरीम ने, अपनी माँ के घर वो छोड़कर आई, और मैं क्या रातों रात मक्खी बनकर उनके घर चुराने चलेगी नौलखा? मैंने भी उससे यही पूछना चाहा। मैं तो उनके घर कदम ना रखूं, ये तो मैं सिर्फ जैन अली के कहने पर चलेगी मुकलावा लेने, वरना तो ऐसे लोगों से मिलना भी पसंद नहीं करती मैं। वैसे तुम इतनी उजलत में अपना काम क्यों बिगाड़ रही हो? भाई मैं तो चाहता भी यही हूँ कि नौलखा तुम्हें ही मिले। वो कैसे? इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, बहुत जल्द मैं तुम्हें बताऊंगा। सूखे हुए पत्ते सारे निकाल देना और इसमें पानी भर लो। हेलो। हाय शफक, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ कैसा जा रहा है सब कुछ? बहुत अच्छा। तुम्हें पता है जैन का तो वापस आने का दिल ही नहीं कर रहा। जाहिर है। क्या जाहिर है? अच्छा ये बताओ, मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, तकल्लुफ की जरूरत नहीं। कम ऑन यार, हमारे बीच कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी है। हमारे दरमियान बहुत कुछ आ चुका है तेरी। खैर तुम लोग खैरियत से वापस आ जाओ, कुछ नहीं चाहिए मुझे। ओके। इश्क जलावे, इश्क बुझावे आमियां, इश्क जलावे इश्क बुझावे, इश्क ही सारा भेद रचावे, इश्क ही सारा भेद रचावे, इश्क ही आप खुदा, खुदाई खुदाई। तुम यहाँ बैठी हो, तुम्हारे कमरे से आ रही हूँ, सब कुछ बिखरा हुआ है, कुछ भी समेट कर नहीं आई तुम तो। सभी कुछ तो बिखरा पड़ा है, क्या क्या समेटू? शफक क्या हुआ बेटे, खैरियत तो है? कुछ नहीं अम्मी, मैं कमरा समेट के आती। ठहरो, मैंने कह दिया मुलाजमत से, वो कर लेगी। तुम बताओ क्या हुआ? तहरीन का फोन आया था। क्या कह रही थी? पूछ रही थी मुझे वहां से कुछ चाहिए। उसे पता नहीं कि
तुम किस अजाब से गुजर रही हो? कितनी बड़ी कुर्बानी दी तुमने उसके खातिर? क्या चाहिए, उसकी जगह तुम होती तो बगैर पूछे ही पता नहीं क्या क्या उठा लाती उसके लिए। दिल ही टूट गया तो चीजों का क्या करना है? ये सब क्यों नहीं आ जाता अम्मी? मेरी जान, समर ऐसे तो नहीं आ जाता दिनों में, वक्त लगेगा। तुमसे कितना कहा मैंने इस लड़की से दूर रहो, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी, और अब देखो कितनी तकलीफ उठा रही हो तुम उसकी वजह से। मैंने तो बस, अब दूर रहो उस लड़की से। हमारी जिंदगी का चैन और करार छीन कर भी इनको सुकून नहीं आ रहा। उसकी माँ पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें कर रही मेरे बारे में। बाबा अब यकीन नहीं करेंगे, जैन पूरा वक्त सोते हुए आए। हाँ, तुम बातें इतनी बोर करती हो कि नींद आ गई। अच्छा तो मैं बातें बोर करती हूँ? आई थिंक तुम्हारा टेस्ट बुरा है। शफक से पूछो, कोई मेरी कंपनी में बोर नहीं होता, है ना बाबा? हाय अल्लाह, तेरा शुक्र है मेरे बच्चे खैरियत से वापस आ रहे। बहुत दिल डर रहा था मेरा तो। इसमें डरने की क्या बात थी बड़ी भाई? एक तो इतना लंबा सफर और फिर आजकल के जहाजों का क्या भरोसा। हाँ बड़ी अम्मी, लेकिन हमें कोई मसला नहीं, अल्लाह का शुक्र। वैसे शफक कहाँ है? किचन में है। हर वक्त किचन में होती, मुझे इतनी बेताबी से इंतजार है, उसको इतनी सारी बातें बतानी है मुझे। और भी बातें बतानी है? और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या मसला है? आपको पता है मैंने इतनी सारी तस्वीरें ली हैं उसके लिए, बहुत मिस किया मैंने उसको। अच्छा, इतना मिस किया तो उसे अपने साथ ही ले जाती। क्या मतलब भाई, इतना शफक शफक जो कर रही हो, मैंने सोचा अपने साथ ही ले जाती, इतना प्यार जो है तुम्हें उससे। हाँ, इस बात में तो कोई शक नहीं कि मेरे और शफक के दरमियान बहुत सारा प्यार है। अस्सलाम वालेकुम। हाय, कहाँ गायब थी तुम? किचन में थी। तो तुम किचन में ही नजर आती हो, क्या हो गया है? बुझी बुझी सी लग रही हो, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं। अच्छा अब तुम लोग आराम करो, बहुत थके हुए आए हैं। जी बड़ी। इसके मना करने के बावजूद मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी शॉपिंग की है, तो अगर ये कहे ना कि इसकी तरफ से बिल्कुल ना मांग। क्या मतलब, तुम्हारी सोच है टर्की कितना ब्यूटीफुल है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। चलें अब आराम करें। तुम जाओ ना, मैं इसे बातें कर रही हूँ, इतने दिन मिस किया है मैंने इसे। अब और कितनी बातें करनी है? थोड़ी सी और यार। अच्छा बड़ी अम्मी, मैं आज खाना आपके हाथ का खाऊंगा। हाँ मेरी जान, क्यों नहीं, मैं बनाऊंगी तुम्हारे लिए। शफक तुम्हें पता है टर्की कितना खूबसूरत है? आई वेंट टू टोपकाफी पैलेस, हम ब्लू मॉस्क गए, हम हाया सोफिया गए, मैंने तुम्हें एक एक जगह मिस किया। शफक तुम जाकर देखो गुलाब बेगम क्या कर रही किचन में, ये किस्से कहानियां तो चलते रहेंगे। अच्छा बाबा आप मुझे बताएं ना, जब आप टर्की गए थे तो आपने क्या क्या देखा? क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? जी अम्मी, नींद नहीं आ रही। बस ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, देखना इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा एक दिन। रीन की दी हुई चीजें नहीं देखी आपने खोलकर? नहीं, मेरा दिल चाह रहा था उठा के नीचे फेंक दूं। तोहफे कबूल तो किए हैं आपने? पता नहीं किस दिल से किए, मैं ही जानती हूँ। खैर, तहरीम वैसे ही कम नहीं थी, और मैं देख रही हूँ कि जैन अली ने चंद ही दिनों में उसका दिमाग खराब करके रख दिया।
दिमाग खराब है। एक तो अच्छा नाम है उसका। नसीब तो तुमने उसका बनाया है, वरना उसे क्या फर्क पड़ता अम्मी? वो दोनों खुश तो है ना साथ। क्या वाकई फर्क नहीं पड़ता? काश काश तुमने जैन अली की बात ना मानी होती तो आज तहरीन की जगह तुम होती उसके साथ। क्यों करती है ये बात? हसरत बना लिया आपने, इस बात को भूल क्यों नहीं जाती है? नहीं भूल सकती मैं, नहीं भूल सकती। ठीक कहते हैं लोग, औलाद के दुख से अपना दुख छोटा लगता है औलाद के दुख के सामने। बार बार ये बात करके मेरा दिल जलाती है। मेरे लिए भी आसान नहीं है उन दोनों कैसे साथ देखना। तो रो लो ना अच्छी तरह, दिल हल्का कर लो अपना। क्यों रो अम्मी? मुझे हसद नहीं होता तेरी से, ये मुझे समझ नहीं आता अम्मी ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों। कचहरी में इतनी देर हो गई कि मैं जहन से निकल गया कि जहन को तो शहर जाना था। हाँ फिक्र मत करो, वो वक्त से चले गए थे, 11 बजे निकल गए थे। अच्छा एक बात की याद दहानी करवानी थी तुम्हें। क्या बात? तहरीम से कहो अब नौलखा वापस ले आए मुमताज से। नौलखा आपा के पास नहीं, जहन ने मुझे बताया, लेकिन इस बार भी अगर तहरीम ना लेके आई तो मैं उससे बात करूंगा। तो क्या तहरीम नौलखा हाथ में लिए फिर रही है? मैं तो कुछ कहती नहीं भाई, अगर कुछ कह दिया तो बुरा लग जाएगा। ऐसी बात नहीं है, आप कहिए जो आपका जी चाहता है। रहने दो अकबर अली, मैं कब कह सकी जो कुछ कहना चाहती थी। तुम्हें क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं छोटे अबू, मुझे क्या होना है? तुम्हारी आंखें सूजी हुई हैं, क्या तुम रोती रही हो? जाके जरा देखो वहां क्या हो रहा है। रोग ही लग गया मेरी बेटी को, अगर यहां किसे परवाह है। हाँ तहरीम और जैन अली खुश रहें बस, सबके लिए ही काफी है। ये देखें। और ये? ये है आया सोफिया। मैंने और जैन ने वहां पे जुम्मे की नमाज पढ़ी, इतना मजा आया कि मैं बता नहीं सकती। हम भी चलेंगे। और आपको पता है बाबा, पूरा टर्की इस्लामिक आर्किटेक्चर से भरा हुआ है और वहाँ की मॉस्क इतनी खूबसूरत हैं कि मैं क्या बताऊँ। और ग्रैंड बाजार अम्मा, ओ माई गॉड, ग्रैंड बाजार इतना हसीन है कि आप बेहोश हो जाएंगे। हैं? हाँ मैं तो दिन में 2 दफा जाती थी। बेहोश होने? बाबा शॉपिंग करने, मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है आपके लिए। आए, जल्दी से मुझे दे देना। जैन वैसे तुम्हारा अब क्या इरादा है? तहरीम क्या तुम्हारे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएगी? अंकल अभी इस मौजू पर हमारी बात तो नहीं हुई है, लेकिन जाहिर है जहाँ मैं रहूँगा तहरीम भी वहीं रहेगी। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हारा 1 बेड अपार्टमेंट? बाबा जैन ने सोचा है कि वो शिफ्ट करेगा घर। तो बेटे जब तक क्या हवेली में रहोगी? जाहिर सी बात है अम्मा, और कहाँ रहूंगी। हम ये सोच रहे थे कि अगर हमारे पास रह लो। पप्पो ये कैसे मुमकिन है, बिल्कुल मुनासिब नहीं लगेगा। लेकिन जैन इसमें कोई हर्ज तो नहीं है, मैं रह सकती हूँ यहाँ। हाँ हर्ज तो नहीं है लेकिन फिर भी। अच्छा तुम्हारा रिजल्ट भी तो आने वाला है, क्या इरादे उसके बाद? अयाशी ये ऐश करेंगी और मैं मजदूरी करूंगा। क्योंकि हर कोई इतना लकी नहीं होता कि वो अयाशी पढ़ सके। अस्सलाम वालेकुम, ये देखो मेहमान यहाँ बैठे और मेजबान अब आ रहे। क्या मेहमान क्या मेजबान, तुम्हारा अपना घर है जब भी आओ। अच्छा डॉक्टर ने क्या कहा? ये आंखों ही आंखों में क्या इशारा हो रहा है, हमें भी बताओ।
देखो मुझे ऐसे ना होला। क्या कहा डॉक्टर ने, जल्दी बताओ। मम्मी वो गुड न्यूज है। Oh my God! Oh my God! Wow, that's amazing! Thank you. मेरा शहजादा। पापा मैं पापा बन गया और मैं दादी। Yes! और दादा और पुपी। पुपा। Wow! अरे मिठाई तो खिलाओ ना अब। Oh, इसीलिए मिठाई आई है। जबरदस्त। मम्मी से याद आता है। थैंक यू। माशाल्लाह, चलो भाई बहुत बहुत मुबारक हो। खैर, अच्छा होता कि मुमताज ये खुशखबरी लेकर खुद यहाँ आती। क्यों अकबर अली? हाँ ये तो है। नहीं बड़ी अम्मी, अम्मा से बात हुई थी मेरी। वो कह रही थी एक दो दिन में चक्कर लगाएंगी, मिठाई लेकर आएंगी, मुबारकबाद देंगी। अरे पुरानी खबर के साथ नई मिठाई का क्या करना, और यहाँ किसी को मिठाई की कौन सी कमी है। खैर, मैं तो इस इंतज़ार में हूँ कि अल्लाह ताला मुझे भी खुशी का ऐसा दिन दिखाए कि बताऊँ खुशखबरी दी कैसे जाती है। शफ़क, इसे क्या हुआ? शायद कोई काम याद आ गया होगा। बाबा यहाँ कितनी अच्छी हवा चल रही है, आलूदगी से पाक, और शहर में देखें कितनी पोल्यूशन बढ़ती जा रही है। तो तुम यहीं क्यों नहीं आ जाते? बाबा जॉब भी तो नहीं छोड़ सकता हूँ ना। तुम्हारी तो छुट्टियाँ खत्म होने वाली हैं। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे जॉब रिज्यूम करनी है। अच्छा ये बताओ, ये तहरीम का क्या होगा? तहरीम, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अपार्टमेंट में वो रहना नहीं चाहती और घर वहाँ है नहीं। तो इसका तो बड़ा आसान सा हल है, तुम तहरीम को यहाँ घर पे छोड़ दो और वीकेंड पे आ जाए करो। और मैं वहाँ अकेला पड़ा रहा हूँ। बाबा मुझे आपसे इसी हल्की तवक्को थी। अरे बेटा, तो इसके अलावा मैं और क्या तजवीज़ करूँ? आप छोड़ें, मैं तहरीम को कन्विंस कर लूँगा कि वो अपार्टमेंट में रह ले जब तक घर नहीं हो जाता। जी सुनो, वो तहरीम में अब तक नौलखा क्यों नहीं रखवाया? रखवा देगी, आप परेशान मत। बेटा बात परेशानी की नहीं है, नौलखा इस ख़ानदान का असासा है और बहुत कीमती है। मैं नहीं समझता कि तहरीम अभी इतनी समझदार है कोई ये जिम्मेदारी उठा सके। मैं उसे फिर से कह दूँ। तो यानी अब तुम नेक्स्ट वीकेंड आओगे? जाहिर है। यार ऐसे कैसे चलेगा ज़ैन? ये तो है, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। तो पहले से घर ढूंढ के रखते ना, इतना लास्ट मिनट में घर ढूंढने की क्या जरूरत है? अब या तो मैं तुम्हें शादी के लिए मना लेता या घर ढूंढ लेता, है ना? अच्छा, यानी अब सारी जिंदगी तुम्हारे ये ताने सुनूंगी मैं। हाँ ये भी रखना है। बाबा नौलखे का पूछ लेते। इस घर में हर बात नौलखे से शुरू होकर नौलखे पे खत्म क्यों होती है? नहीं अब ऐसा भी नहीं है। ऐसा ही है, बचपन से लेके आज तक मैं नौलखे की कहानियां सुन रही हूँ। तहरीम क्या हो गया तुम्हें? मुझे क्या हो गया? क्या मतलब, सबको क्या हो गया है? और वैसे भी अब तो नौलखा मेरे पास है ना, तो लेट इट बी विद मी यार, व्हाट्स द बिग डील? तुम करोगी क्या नौलखे का? नहीं, मैं उसकी आरती उतारूंगी और उसको दीवार पे चिपका के उसका फ्रेम बना दूंगी। अच्छा ठीक है ठीक है, कैसी बीवी हो तुम? तुम्हारा शोहर बाहर जा रहा है और तुम्हें लड़ने से फुर्सत ही नहीं। तो मत जाओ ना, यहीं रुक जाओ। मैं नहीं जा रही तुम्हें, नहीं जाने दो। पैक कर दो मेरा, मुझे जाना है। नहीं यार प्लीज। चलो
क्या याद करोगी। तुमने अपने जेवरात वगैरह रख दिए? जी छोटे अबू, मैं वहां ले जाके क्या करूंगी। नौ लखा भी रख दिया? जी वो भी रख दिया है। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक नौ लखा तहरीम के पास नहीं है। मेरा यकीन करो अकबर अली, नौ लखा तहरीम के ही पास है। देखो अगर मेरे पास होता तो मैं बता देती, घर की तो बात। नौलखा हमारा खानदानी हार है, उस पर अब मुमताज का कोई हक नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि इसको ठीक समझो। और जहां भी सही कहती है, नौलखा हमारा है, उसी घर में होना चाहिए। यार डाटी इश्क आतिश। पहले ये बताइए कि किस किस्म का प्रपोजल आप शफा के लिए लेके आए? क्या खराबी है? बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छा बच्चा है, क्या खराबी है उसमें? कौन सी खराबी नहीं है? शराबी है, मर्डर कर चुका है, दो दफा जेल से जमानत में रिहा हो चुका है और अभी भी तीन हफ्ते से पुलिस की कस्टडी में। शफा प्लीज, इस तरह से तुम बीमार पड़ जाओगी। तहरीम, अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती हो ना, तो जाके उन्हें कह दो कि मैं शादी नहीं करना चाहती, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे, मैं ऐसे ही खुश हूँ। मैंने तो अपनी तरफ से नेकी करने की कोशिश की थी और अकबर अली ने तो मुझसे ऐसे बात की जैसे मैं उसके सामने कटहरे में खड़ा हूँ। कभी भी नहीं भूलूंगा मैं ये सब कुछ। और ऊपर से तहरीम ने मुझसे बदतमीजी की। तुम्हारी शादी अगर हुई भी तो सिर्फ जैन अली से होगी और मैं खुद करवाऊंगी। अगर जैन अली से आप मेरी शादी करवा सकती तो पहले करवा चुकी होती। ये कह रही है कि तुम्हारी जिंदगी मेरी वजह से बर्बाद हो रही है। तो कहने दे, लोगों के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता।